यूपी के कन्नौज जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते दर्जनों स्कूली बच्चों की जान उस वक्त जोखिम में पड़ गई जब विद्यालय प्रांगण में लंच के दौरान खेल रहे बच्चों के ऊपर ही शॉर्ट सर्किट के बाद जर्जर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर पड़ा। आनन फानन में बच्चों का स्कूल से अध्यापकों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामला शौरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय किसई जगदीशपुर का है। सुबह करीब 10 बजे विद्यालय प्रांगण में लंच के दौरान स्कूली छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक स्कूल के ऊपर से निकली जर्जर हाईटेंशन लाइन में जोरदार से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद स्कूल के बच्चे अध्यापक भागकर कमरे में चले गए, तभी अचानक तार टूटकर विद्यालय के ऊपर गिर पड़ा। ऐसे में अगर अध्यापकों ने समय रहते बच्चों को विद्यालय के अंदर न किया होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं विद्यालय के अध्यापकों की माने तो उन्होंने विद्यालय के ऊपर से निकली ऑनलाइन शिकायत कई बार बिजली विभाग से की, बावजूद इसके आज तक तार को हटवाया नहीं गया। वहीं अब छात्रों व अध्यापकों में डर डर और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। घटना की जानकारी के बाद भी लापरवाह बिजली विभाग के मौके पर जाने तक की जहमत नहीं उठाई। वहीं तार के टूटने के बाद मासूम बच्चों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। विद्यालय के ऊपर से 11,000 का तार निकला हुआ है, बच्चों के मन में किस तरह का डर रहता है सर? अरे बच्चे सब ऊपर में खेलते हैं, लंच के टाइम कहीं निकल जाते हैं, कहीं इधर खेलते हैं उधर खेलते हैं, कभी कोई बच्चा ऊपर चढ़ जाता है, कितना देखते देखते मतलब एक नज़र में बच्चे कहाँ पहुँच जाए, कोई घर में डर रहता है, भय रहता है, कोई टार्च हो जाए, कोई बात हो जाए कोई, इसी तरह हम तो सर रिक्वेस्ट करते हैं इसका भी तार हटाए, जल्दी जल्दी हट जाए, जितनी जल्दी उसे गया स्कूल से मैंने हटाई या लिया, हट नहीं गया। सर विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन जो लाइन निकली हुई, क्या आपने कभी विद्युत विभाग को इस बारे में सूचित किया है? जी विद्युत विभाग को भी सूचित किया, आपने विभाग को बताया, हर जगह सूचित किया इसको तार हटाया, लेकिन वो आज हो गया कल हो रहा, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक हट नहीं गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कन्नौज से लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, कन्नौज।